So, welcome to the first class of your optional subject that is criminology. I've always been very biased with this subject क्योंकि ये वो सब्जेक्ट था जो मैंने सबसे पहले प्रिपेयर करना शुरू किया सारे ऑप्शनल्स कंपलसरी से पहले, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट था इस सब्जेक्ट में और मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर किया था और इसलिए मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है। क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों के बड़े बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। आई वांट टू एड्रेस ऑल दोज क्वेश्चंस फर्स्ट, देन आई विल ब्रीफली डिस्कस द सिलेबस और उसके बाद आई विल टेक योर क्वेश्चंस। थोड़ा सा हम एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ेंगे व्हाइल आई विल बी डिस्कसिंग द सिलेबस। उसके अंदर भी मैं आपको एक थोड़ा बहुत क्रक्स टॉपिक्स का बताती जाऊंगी साथ साथ, सो दैट यू गाइस कैन हैव एन आइडिया कि व्हाट द सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट। बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी हैं सब्जेक्ट को लेके। लोग समझते हैं कि ये क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट है तो इसके अंदर बहुत ज्यादा कोई लॉज, पेनल्टीज, रूल्स, रेगुलेशंस इस तरह का होगा, बोरिंग सा सब्जेक्ट होगा। इफ आई कंपेयर दिस विद आई लॉ तो आई फाइंड दैट सब्जेक्ट मोर ड्राई एंड बोरिंग एंड डिफिकल्ट टू ग्रैस्प, बिकॉज उसके अंदर इट्स मोर थोड़ी लीगल डायमेंशन ज्यादा हैं और लॉ शॉज ज्यादा हैं। तो अगर किसी का लॉ का बैकग्राउंड नहीं है लाइक मी तो उन लोगों को मुश्किल लगता है। कंपेरेटिवली मुझे क्रिमिनोलॉजी आसान भी लगता था और इंटरेस्टिंग भी लगता था। अच्छा मुझे बताएं यहाँ पे जितने बच्चों ने भी ज्वाइन किया आप सब लोगों ने ये एज एन ऑप्शनल रख लिया है या आर यू गाइज स्टिल कंफ्यूज, क्योंकि फिर मैम आई रख विल। लिया है रख लिया है मैम, मैम, रख लिया है रख लिया है मैम, मैम। रख लिया है ओके 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 मैम। ओके मैं अभी ओके कंफ्यूज हूँ जरा। ओके ठीक है ठीक है। चलो मैं दोनों तरीके से इसको लेकर जाऊंगी। जब हम सिलेबस डिस्कस करेंगे ना उसके अंदर जब मैं आपको बताऊंगी तो आप लोगों की बहुत सारी कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों को समझ आएगी कि ये हमें जो लगता है ना कि ज्यादा लीगल परस्पेक्टिव में ज्यादा पढ़ना है लेकिन हमें इसको सोशल परस्पेक्टिव में ज्यादा पढ़ना है। बहुत ज्यादा ये कनेक्ट करता है आपकी सोसाइटी के साथ, डेली लाइफ के साथ, व्हाट एवर इज हैपनिंग अराउंड। ये सारी एग्जांपल्स उसके अंदर आती हैं और हम थोड़ा सा बिहेवियरल और सोशल डायमेंशन में इस सब्जेक्ट को ज्यादा लेकर चलते हैं तो वो जरा ज्यादा न्यूज पेपर्स में सुनते हैं। आप लोग आई एम श्योर डॉन न्यूज पेपर पढ़ते होंगे, अच्छे करंट अफेयर के मैगजीन्स पढ़ते होंगे। उसके अंदर आप सारी ओपिनियन पेजेस देखते हैं, आप डिफरेंट स्टोरीज पढ़ते हैं, आप टीवी देखते हैं, टीवी में टॉक शोज हैं और बाकी खबरें आप सुनते हैं। तो उसके अंदर एक मेजर चंक जो न्यूज का है वो अनफॉर्चुनेटली आपके क्राइम्स पे बेस करता है, ऐसा ही है ठीक है। सो हमें ये सारी चीजें ऑलरेडी पता हैं ठीक है, हमने खाली उनको एक एक सिंक्रोनाइज्ड वे के साथ पढ़ना है। अब क्राइम हमें भी पता है क्या होता है, जुर्म होता है ठीक है। अब उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे क्रिमिनोलॉजी में, थोड़ी सी अच्छी टर्मिनोलॉजीज के साथ उसको हम डिफाइन करेंगे कि वो एक अनलॉफुल एक्ट है ठीक है। हर वो एक्ट जो लॉ के अगेंस्ट है वो क्राइम होता है, जिस पे आपको पेनल्टी सजा मिलती है ठीक है। उसके अलावा आप क्राइम, एक एक्ट को हम क्राइम कब कहते हैं ठीक है, कि एक तो किसी बंदे ने कोई एक्ट किया ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पिस्टल निकाली है ठीक है, अब वो एक्ट जो है वो मैंने किसी के अगेंस्ट किया है ठीक है। ऑब्वियसली मैंने अगर गन पॉइंट पे किसी से फॉर एग्जाम्पल कार स्नैच किया या मैंने शूट कर दिया किसी को ठीक है, तो मैंने एक किसी के अगेंस्ट किसी की लाइफ, किसी की प्रॉपर्टी ठीक के अगेंस्ट कोई चीज की है ठीक है। दैट मींस कि उस एक्ट ने, कोई एक्ट क्राइम कब बनेगा कि जब एक तो मैंने कोई एक्ट किया, दूसरा उस एक्ट, वो एक्ट मैंने किसी बंदे के खिलाफ किया ठीक है, उसकी जान, जानी या माली नुकसान दिया, फिर उस एक्ट का कोई रिजल्ट भी निकला। ऐसा नहीं कि मैंने गन निकाली, फायर किया और वो फायर हवा में हो गया, दूसरे बंदे को हिट नहीं किया ठीक है। ये सारी थोड़ी सी लीगल इसकी एक्सप्लेनेशंस हैं कि मेरे उस एक्ट का रिजल्ट भी कोई होना चाहिए। दैट मींस के उस बंदे को नुकसान भी होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल वो जख्मी हो गया या उसकी डेथ हो गई ठीक है। अब ये क्या है, अनलॉफुल है ना, लॉ इसके ऊपर लॉ है। अब आगे जाके हम नेक्स्ट पोर्शन टू में लॉ, क्राइम और डेवियंस को भी मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताऊंगी तो चीजें आपकी मजीद क्लियर हो जाएंगी। सो बेसिकली ये डेफिनेशन है कि जिसके अगेंस्ट लॉ हो वो एक अनलॉफुल एक्ट हो और आपको उसकी कोई पेनल्टी मिलती हो, उसे किसी को नुकसान पहुंचा हो ठीक है, ये आपका क्राइम हो गया। डेफिनेशन क्रिमिनैलिटी की होती है द एक्सटेंट टू विच समबडी कैन कमिट क्राइम ठीक है, कि किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड कितना है ठीक है, उसके अंदर पोटेंशियल ऑफ क्राइम कितना है ठीक है, ये क्रिमिनलिटी है। क्रिमिनल बिहेवियर देन अगेन यही है कि किसी, कोई बंदा क्रिमिनल बिहेवियर कब शो करता है, क्यों शो करता है, क्रिमिनल बिहेवियर को हम डिफाइन कैसे करते हैं ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं आपके नॉर्मल बिहेवियर को क्रिमिनल बिहेवियर
कैसे बनाती है, ठीक है, वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं, वो सारे हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे. उसके बाद स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी क्या है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है. क्रिमिनोलॉजी का बहुत ज्यादा स्कोप है और अब करंटली मुझे लगता है कि थिंग्स माइट हैव चेंज इन आवर सोसाइटी एज वेल. बहुत ज़रूरत है कि हम क्रिमिनोलॉजिस्ट को इनकॉर्पोरेट करें अपनी लीगल प्रोसीडिंग्स में, हम उनको इनकॉर्पोरेट करें डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस जो हम करते हैं हीनियस क्राइम्स की उसके अंदर, ठीक है. आपके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ वो काम करें. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो क्रिमिनोलॉजिस्ट होता है वो एक्चुअली डिग डाउन कर रहा होता है वो सारी रीजंस, ठीक है, विच लेड टू दैट क्रिमिनल बिहेवियर, ठीक है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये सारी चीज़ें, हमारे पास कोई एक ऐसा एक्सपर्ट हो जो ये सारी चीज़ें, जिन सारी चीज़ों की उसको नॉलेज हो, इन्फॉर्मेशन हो, रिसर्च हो, ठीक है, और वो इन सारी चीज़ों को स्टडी कर सके. क्योंकि सजा ना कभी भी क्राइम को रोक नहीं सकती, ऐसा ही है, ठीक है. हमें डीप डाउन वो रीजंस सर्च करनी है और उनको रूट आउट करना है, ठीक है, तब हम इन द लॉन्गर रन एक पीसफुल सोसाइटी को, यू नो, वी कैन गिव रेज टू अ पीसफुल सोसाइटी, ठीक है. अदरवाइज तो आप देखो पाकिस्तान के अंदर कितने ज्यादा आपके लोग हैं जो जेल्स के अंदर हैं और वो जब जेल से बाहर निकलते हैं तो क्या वो रिफॉर्म होकर निकलते हैं? नहीं, वो तो और हार्डन क्रिमिनल होकर निकलते हैं. दैट मीन्स कि हम वजह रूट आउट नहीं कर रहे. अब बेसिक रीजंस क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ पॉवर्टी की, ठीक है. अगर हम गुर्बत खत्म कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग, मेजोरिटी जो लोगों की है वो क्राइम क्यों करते हैं, क्योंकि भूख है, गुर्बत है, फ्लास है, ठीक है, और ये सारी चीजें उनको मोटिवेट करती हैं. देयर इज नो वे आउट, उनकी मजबूरी बन जाती है, यू नो, क्राइम करना और फिर उसको सोर्स ऑफ अर्निंग बनाना. बजाय इसके कि हम चोरों डकैतों को उठा उठा के हम जेल से बंद करें, हम क्यों ना सोसाइटी के अंदर से वो मेन रीजन पॉवर्टी खत्म कर दें, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, ठीक है. सो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि जी अब आपको समझ आ गई कि स्कोप क्रिमिनोलॉजी का क्या है. ओके, उसके बाद क्राइम एज अ सोशल प्रॉब्लम के अंदर हम क्राइम की आगे फर्दर डिविजन पढ़ेंगे कि डेवियंस क्या होता है, सिन क्या होता है, वाइस क्या होता है, ईविल क्या होता है, ठीक है. ये सारी चार डिविजन थोड़े बहुत फर्क के साथ वेरी करती हैं, आपके क्राइम की ही फर्दर ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप लॉ ब्रेक करते हैं ना, ठीक है, तो वो आपका क्या आ जाता है, क्राइम आ जाता है, ठीक है. डेवियंस क्या होता है कि एक ऐसा इमोरल एक्ट जिसके ऊपर कोई लॉ नहीं है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई उम्र में कोई बड़ा शख्स आपके आया है, रूम में एंटर हुआ है, तो हमें ये मोरालिटी ये कहती है कि हमें खड़े हो जाना चाहिए, ठीक है, या हमें बस में आपके जो सीनियर सिटीजन हैं उनको जगह दे देनी चाहिए, ठीक है. लेकिन अगर आप नहीं करते तो इसके अगेंस्ट आपको कोई जेल नहीं है, कोई सजा नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है, आपको पुलिस नहीं पकड़ के लेके जाएगी, तो उसके ऊपर कोई लॉ नहीं बना हुआ, ठीक है. तो ये क्या हो जाएंगे, आपके डेवियंसेस हो जाएंगे, ठीक है. लेकिन ऑन दी अदर हैंड वो ऐसे सारे क्राइम्स जिनके अगेंस्ट लॉ बना हुआ है, ठीक है. नाउ जस्ट गिव मी एन एग्जाम्पल, इतना मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्या होता है क्राइम, मुझे एक एग्जाम्पल दें क्राइम की, एक ऐसा एक्ट जिसके अगेंस्ट लॉ हो, जिसकी सजा हो. ट्रैफिक वायोलेशन, समबडी सेड, हाँ जी, आप सिग्नल ब्रेक करते हैं तो आपको चालान होता है, दैट मींस उसके ऊपर लॉ है, बिल्कुल ये क्राइम में आता है. समबडी एल्स वाज सेइंग, कोई लड़की बोल रही थी, कोई और एग्जांपल दे रही थी, प्लीज गो अहेड. रॉबरी, रॉबरी, बिल्कुल, बिल्कुल. I'm not giving shares in property. बिल्कुल, हाँ, उसमें भी आप बहुत जो है वो लीगल पेनल्टीज हैं, ठीक है. अच्छा, ऑन दी अदर हैंड मुझे डेवियंस की कोई और एग्जाम्पल दें. डेवियंस ऐसी चीज है जो सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स नहीं है लेकिन उनके ऊपर कोई लॉ नहीं है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, लाइंग, लाइक व्हेन वी लाई, लाइक इट्स रॉन्ग बट वी डोंट हैव एनी लाइंग. लाइंग, अगर स्कूल में कोई बच्चा जो है वो डेवियंट बिहेवियर शो कर रहा है, या सोसाइटी के अंदर फॉर एग्जांपल अगर कोई सिगरेट पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसकी कोई पेनल्टी नहीं है, लेकिन यह है कि वो सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर. मैम, डोमेस्टिक वायलेंस पे अभी तक कोई लॉ नहीं आया ना? जी जी, नहीं आया. तो इसको भी हम लोग कह सकते हैं कि ये डेवियंस में आएगा? फिलहाल तो ये डेवियंस में ही आएगा, लेकिन इसके ऊपर लॉ अप्रूव नहीं हुआ. लेकिन वही चीज, अगर डोमेस्टिक वायलेंस डिपेंड करता है कि अगर
वो वॉयलेंस इफ इट लेड टू द डेथ ऑफ दैट इंडिविजुअल तो फिर वो क्राइम में आ जाता है. ठीक है, खैर ये हम सारी चीजें जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी ये तो आपको मजीद चीजें क्लियर होंगी. और एग्जाम्पल्स क्रिमिनोलॉजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सिन क्या होता है, गुनाह, उसकी एग्जाम्पल्स आपको पता होनी चाहिए, इनका बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए. अभी हम खैर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं कि हमने सारा सिलेबस डिस्कस करना है. क्राइम क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्राइम्स क्या होती हैं, उन सब की आपको प्रॉपर नो हाउ डेफिनेशन पता होनी चाहिए. ठीक है, और प्लस विद एग्जाम्पल्स. ठीक है, जितनी आप एग्जाम्पल्स कोट करेंगे अपने स्टैंड को आपके स्टैंड को ज्यादा बेहतर बनाएगी और आपका पेपर स्टैंड आउट करेगा फ्रॉम द रेस्ट. मैं आपको साथ साथ एग्जाम्पल्स खुद भी देती रहूंगी. आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि अच्छा ये डेवियंस में आती हैं, ये सिन में आती हैं, ये क्राइम में आती हैं. ठीक है, उसके बाद टाइप्स, क्राइम एंड क्रिमिनल्स, टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स या टाइप्स ऑफ क्राइम. अब ये भी सारी वो चीजें हैं जो हमें ऑलमोस्ट सारी ऑलरेडी पता है. ठीक है, थोड़ी सी री इन्फोर्समेंट के साथ आप लोगों को पता चल जाएगा. और ये सारी वो चीजें, ये सारी वो क्राइम्स, ये सारे वो क्रिमिनल्स हैं जिन्हें हम अपनी सोसाइटी में डेली लाइफ में देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं. ठीक है, वी आर ऑलरेडी वेल अवेयर ऑफ ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज. अच्छा, पहला आपका आ जाता है ओकेजनल क्रिमिनल्स. अच्छा, जब ये हम टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स या क्राइम करते हैं ना, इसके पढ़ेंगे ना, इसके अंदर आपने थोड़ा सा इसकी वोकैबुलरी को दिमाग में रखना है. ठीक है, ओकेजन से निकला है ओकेजनल. ठीक है, दैट मीन्स कोई चीज हम कहते हैं ना ओकेजनली हो रही है, कभी कभी हो रही है. ठीक है, वहीं से आप इसका मीनिंग और डेफिनेशन एक्सट्रैक्ट करें. ओकेजनल क्रिमिनल को कौन होता है, जो कभी कभी क्राइम करता है. ठीक है, जो हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं होता. हैबिचुअल क्या, हैबिट से निकला है. जो हैबिट क्या होती है, आपकी आदत, राइट. सो हैबिचुअल क्रिमिनल कौन होगा, जिसकी आदत है चोरी करने की. ठीक है, डिफरेंट आपके घर के अंदर जो आपको आपके फॉर एग्जाम्पल जो आपके मुलाजिम हैं, ठीक है, वो अक्सर इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं. ओकेजनल क्रिमिनल की अगर मैं बात करूं तो यस, घरेलू मुलाजमीन की भी ये डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है कि हो सकता है वो ओकेजनल क्रिमिनल हो, कि अगर उनको कोई ऐसा खास मौका मिला है कि अगर हम भूल गए गाड़ी लॉक करना, गाड़ी तो नहीं, खैर कार स्नैचिंग तो मुश्किल हो जाता है. लेट्स से कि अगर आपने कुछ ज्वेलरी आपने रखी है अपने ड्रॉअर में और आप उसको लॉक करना भूल गए, तो ये एक आइडियल सिचुएशन उनको मिल गई है. ठीक है, तो वो हैबिचुअल नहीं है, लेकिन अगर उन्हें मौका मिला है तो उन्होंने चोरी कर ली. ठीक है, ऑन दी अदर हैंड हैबिचुअल क्रिमिनल क्या होगा, उसकी हैबिट है चोरी करना. वो अगर आप लॉक करना भूल गए या नहीं भूल गए, दैट डजंट मैटर, ही'ल फाइंड द कीज, ही'ल गेट इट अनलॉक्ड, और फिर वो उसमें से चोरी कर लेगा जो भी उसने चोरी करना, क्योंकि उसकी हैबिट है. तो वो सर्कमस्टेंसेस का वेट नहीं करता, वो सर्कमस्टेंसेस खुद क्रिएट भी कर सकता है. ये डिफरेंस है दोनों में. ठीक है, समझ आ गई? Yes, ma'am. अच्छा, ओके. फिर आ जाता है प्रोफेशनल क्रिमिनल्स. प्रोफेशनल क्या हम कहते हैं जी, ये फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोफेशनल डिग्री है, ये एक प्रोफेशन है. ठीक है, प्रोफेशनल क्रिमिनल्स दैट कम. जी जी, अमीर हमसे यू रेज योर हैंड. मैम, जो अक्सर लोग होते हैं वो लोग जैसे मॉट वगैरह में जाते हैं, दे हैव द वेल्थ एंड मनी टू बाय थिंग्स, बट स्टिल दे ट्राई टू रॉब एंड थेफ्ट, बट वो उसके हैबिचुअल नहीं होते हैं. तो ये ओकेजनल में आएगा. होल्ड ऑन, I'm so sorry, I missed the first part of your question. आपने क्या कहा, मॉल में जाते हैं या मॉस्क में जाते हैं? मॉल या मार्ट वगैरह में जाते हैं, या किसी भी वो शॉपिंग गैलरी में जाते हैं. तो जब वो मतलब they have the wealth to buy things, but they get kicked while you know theft, or they get thrill to shop without paying money. तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ये इसी कैटेगरी में आएगा कि अगर तो वो रिपीटेडली ये एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, तो फिर वो हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप देखो, अगर किसी की हैबिट है कि एक गैंग है, ठीक है, दैट डजंट मैटर कि वो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो जरूरत के लिए चोरी कर रहे हैं या उनके लिए ये एक फन एक्टिविटी है. ठीक है, अगर उनकी ये हैबिट है और वो रिपीटेडली ये चीज कर रहे हैं, दैट मीन्स वो हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं. अगर वो ओकेजनली कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर उन्हें लग रहा है कि किसी मॉल के अंदर बहुत एक आइडियल सिचुएशन है और मैं कोई यू नो चीज ग्रोसरी स्टोर से उठा सकती हूँ, मतलब वो हैबिचुअल, वो रिपीटेडली ये चीज नहीं करती लेकिन कभी कभी करती है, तो दैट मीन्स ये ओकेजनल क्राइम है. इज दैट क्लियर नाउ? ओके मैम. अच्छा अच्छा, अभी मैं बिल्कुल, इट्स जस्ट द बिगिनिंग, थोड़ा थोड़ा सा इनका आप ओरिएंटेशन ले लें, अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएं. Once we are done with the whole syllabus, ये एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक प्रॉपर क्लास होगी, आपकी चीजें
क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोफेशनल क्रिमिनल्स कौन होते हैं कि फॉर एग्जांपल देखो, अब मैं मेडिसिन मेरा प्रोफेशन है, लेट्स से मैं डॉक्टर हूँ, मैंने उसको प्रोफेशन बना लिया, ठीक है, ठीक है, इस को, और मैं मेरा ये सोर्स ऑफ अर्निंग है, ठीक है। इसी तरह वो क्रिमिनल्स जो जिनका पेशा, अब देखो हैबिचुअल और ओकेजनल क्रिमिनल में भी इससे ये उनका सोर्स ऑफ अर्निंग ना हो, ठीक है, लेकिन अगर किसी ने इसको एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट कर लिया, जैसे आपके होते हैं आप हायर करते हैं कार स्नैचर्स या किडनैपर्स या और आपने डिफरेंट क्राइम्स के लिए आप जो लोगों को हायर करते हैं, वो कौन होते हैं, वो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं, ठीक है, उनका ये सोर्स ऑफ अर्निंग है। आगे चलते हैं जल्दी से, व्हाइट कॉलर क्राइम। अब व्हाइट कॉलर क्या है, देखो सब चीजें ना आप डिराइव करो इसकी इंग्लिश आप मीनिंग, हमें सबको पता है व्हाइट कॉलर जॉब्स क्या होती हैं, ठीक है, सीमिंगली रिस्पेक्टेबल जॉब्स इन द सोसाइटी। अब व्हाइट कॉलर क्राइम क्या है कि वो बंदा फॉर एग्जाम्पल जो किसी कंपनी का सीईओ है, राजबरी यू रेज योर हैंड। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैंने ये पूछना था कि ये जो प्रोफेशनल है ये हैबिचुअल से हाई डिग्री का हो जाएगा, फिर ये डिफरेंस होगा इतना सा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, हैबिचुअल तो अपनी आदत समझ के करता है ना, ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल तो उसका सोर्स ऑफ इनकम है क्रिमिनल क्राइम। जो प्रोफेशनल क्रिमिनल है वो आपको क्या लगता है कि वो ओकेजनली क्राइम करता होगा? नो नो मैम। वो आपको क्या लगता है कि हैबिचुअली क्राइम करता होगा? नो। इज दैट क्लियर नाउ? यस मैम। अच्छा मैंने एक आखिरी 10-15 मिनट का टाइम स्लॉट रखा हुआ आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए, ठीक है, उसके अंदर मैं आपके क्वेश्चंस लूंगी, अभी हम चलते हैं आगे। व्हाइट कॉलर क्राइम मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि ये व्हाइट कॉलर जॉब कर रहा है, ठीक है, अब हम दो टाइप्स की जॉब है हम सोसाइटी में, हम कहते हैं जी ये फलाना और जॉब कर रहा है, ये व्हाइट कॉलर जॉब कर रहा है। व्हाइट कॉलर जॉब क्या होती है कि जो आपकी यू नो सोसाइटी में एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, जैसे कोई बंदा हम कहते हैं कि अगर कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का पार्ट है, या आपका ब्यूरोक्रेसी हो गई, या आपका यू नो कोई पॉलिटिशियन है, या किसी कंपनी का सीईओ है, ठीक है, तो ये सारी क्या चीजें हैं, या किसी बैंक में काम करता है, व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं ये, ठीक है। आप जो बंदा बैंक में काम करता है, ठीक है, वो अगर कोई फ्रॉड करता है या वो कोई क्राइम करता है, ठीक है, अब पहले हम क्या समझते थे, या अब हमने स्टार्ट भी जब किया होगा तो हमारे दिमाग में क्रिमिनल का जो इमेज है वो यही होता है ना कि somebody who lives below poverty line या somebody who is not well educated, ठीक है, ये क्रिमिनल्स का पहला इमेज आता है हमारे दिमाग में, लेकिन ऐसा नहीं है। व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी जब इंट्रोड्यूस हुई तो उसने एक बिल्कुल डिफरेंट प्रस्पेक्टिव क्राइम का और क्रिमिनल्स का पेश किया। आपको क्या लगता है जो इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओस हैं, ठीक है, या जो बैंक मैनेजर है, वो क्या पढ़ा लिखा नहीं है, वेल एजुकेटेड नहीं है क्या, ही इज रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी जो वो क्राइम करता है? नो। सो ये वाली जो टाइप है ना क्राइम की या क्रिमिनल्स की, ये वाइट कॉलर क्रिमिनलिटी कहलाती है कि जब आप एक अच्छी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप अच्छी पोस्ट में और आप फिर भी क्राइम करते हैं ना लोग, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है कि आपकी एक बहुत बड़ी चेन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसको लेट्स टेक इट दैट वे, ठीक है, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और पूरी एक चेन है आपकी, ये नेशनल लेवल पे भी होते हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पे भी होते हैं। आपकी मनी लॉन्ड्रिंग फॉर एग्जांपल आ गई, वो आपको क्या लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग आप ओकेजनली कर सकते हैं, हैबिचुअली कर सकते हैं? नो, ठीक है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, एक ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मनी लॉन्ड्रिंग एक कॉम्प्लिकेटेड क्रिमिनल प्रोसीजर है, ठीक है। सो ये होता है ऑर्गेनाइज क्राइम। अगर मैं इसको थोड़ा सा ये तो आपको मैंने बहुत ज्यादा बड़ी एग्जांपल दे दी, अगर इसको हम नैरो डाउन करें, ठीक है, तो इवन आपकी किडनैपिंग जो है, ठीक है, वो भी एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, वन मैन शो नहीं है, ठीक है। इसमें भी उनके डिफरेंट कॉन्टेक्ट होते हैं, लोग एसोसिएटेड होते हैं, बंदे को कहाँ से उठाना है, कहाँ रखना है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कॉर्पोरेट क्राइम, देन अगेन ये दैट इज क्वाइट सिमिलर टू व्हाइट कॉलर क्राइम, ठीक है, कि आपका जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, देन अगेन उसके अंदर जो आप एक्सप्लॉयटेशन करते हैं किसी के, फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो अगर अपने वर्कर्स के साथ कोई ज्यादती कर रहा है, ठीक है, तो ये वाली सारी चीजें, दीज बोथ आर क्वाइट सिमिलर। दोबारा देन अगेन के आपके अच्छी जॉब्स पे लोग होते हैं, दे आर अर्निंग वेल, उनकी अपनी कंपनीज होती हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, लेकिन फिर भी वो ज्यादती करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्राइम एंड क्रिमिनलिटी के थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव पे। अच्छा, ये दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, एंड
पता नहीं स्टूडेंट्स फाइंड इट द मोस्ट डिफिकल्ट वन, बट मुझे ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है. सिर्फ थोड़ा सा आपने ना ओपन माइंडेड होकर इसको सुनना है, ठीक है. जहां भी थ्योरी का वर्ड आ जाता है ना, बच्चे पता नहीं क्यों डरना शुरू हो जाते हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके, अब क्राइम और क्रिमिनलिटी को हम तीन परस्पेक्टिव से इसके अंदर पढ़ेंगे. आपके सिलेबस की रिक्वायरमेंट है, वो तीन परस्पेक्टिव्स क्या हैं? आपके बायोलॉजिकल थ्योरीज, आपकी साइकोलॉजिकल थ्योरीज, आपकी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, ठीक है. अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट नो डाउट आपकी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज है, लेकिन हम स्टार्ट से शुरू करते हैं बायोलॉजिकल से, ठीक है. और ये इसकी एवोल्यूशन भी इसी तरह ही हुई है, ठीक है. पहले बायोलॉजिकल देखो, जैसे द वर्ड इंडिकेट्स कि इट इज रिलेटेड टू जेनेटिक्स, या आप कहते हैं कि जी जैसे पहले के ये कॉन्सेप्ट था कि यू नो मैन इज बॉर्न क्रिमिनल या समबडी इज बॉर्न क्रिमिनल, हम कह देते कि जी ये तो है ही चोर, राइट. ये वाली सारे कॉन्सेप्ट थे कि हम कहते थे कि जी आदमी तो पैदा ही गुनाहगार हुआ है एंड थिंग्स लाइक दैट. वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स को ज्यादा कंसिडर करते थे. इसके अंदर जो डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट क्रिमिनोलॉजिस्ट ने जो स्टडी किया, उन्होंने भी लोगों के फेशियल फीचर्स को स्टडी किया, ठीक है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया. देन अगेन वही बात आ जाती है कि हमारे दिमाग में जब किसी क्रिमिनल, अगर मैं आपको वर्ड बोलूं क्रिमिनल और मैं कहूं टेक 5 मिनट्स, क्लोज योर आईज एंड इमेजिन, और एक आप मुझे कोई स्केच बना कर दें, तो आप लोग क्या क्या स्केच बनाएंगे? समवन हु इज मोर मैस्कुलिन. अच्छा, पहले तो एक सबसे पहले तो ये है कि आपका फीमेल जेंडर की तरफ ख्याल नहीं जाता, ठीक है. आपको लगता है कि अच्छा क्रिमिनल वही, या वही पहला आता कि यार ये मेल जेंडर है. दूसरा हम हमारे दिमाग में आता है कि somebody who is more masculine, who's tall, लंबे लंबे हाथ, ठीक है, ये वाली सारी चीजें. यही चीजें आपके इनिशियली डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट और क्रिमिनोलॉजिस्ट ने स्टडी भी की. एक स्टडी थी कि somebody compared physical features, he conducted a research. I forgot the name, कौन सा वो स्विट्जरलैंड ने किया था, या अब मैं नहीं, लैम्ब्रोसो, यस, लैम्ब्रोसो ने क्या किया था कि वो जेल गया और उसने एक स्टडी कंडक्ट की. ये हम डिटेल में पढ़ेंगे भी जब हमारी क्लास होगी, अभी वैसे मैं दिमाग में आया तो मैं आई थॉट टू शेयर इट विद यू गाइस. उसने क्या किया कि उसने नोट डाउन किया कि जो लोग क्रिमिनल्स हैं वो दिखते कैसे हैं, उनके फिजिकल फीचर्स कैसे होते हैं. उसने फिर एक ही came up with the conclusion के somebody who is then again tall, broad, pointed कान है जी, skull बड़ा है, लंबे हाथ हैं, ठीक है, so someone who possess all these features is more prone to criminality, ठीक है. लेकिन later on देखो जैसे science evolve हुई, बाकी सारी disciplines evolve हुए, criminology भी evolve हुई, फिर उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो what would you say कि जो Chinese हैं for example, जो जिनका genetically short heighted हैं, ठीक है, उनके कोई पॉइंटेड कान नहीं होते, उनका कोई बड़ा स्कल नहीं होता, वो टॉल नहीं होते, ब्रॉड नहीं होते, आप उनको क्या कहेंगे, ठीक है. सो जब भी आप कोई चीज प्रपोज करते हैं उसका विद द पैसेज ऑफ टाइम दूसरा प्रस्पेक्टिव भी आता है. इसी तरह जो बायोलॉजिकल थ्योरीज थी जिसमें कहा जाता था कि जी सर्टन फिजिकल फीचर्स वाले लोग जो है वो क्रिमिनल्स होते हैं, जैसे हम पहले भी कहते थे कि जो अनपढ़ और जाहिल और गरीब बंदा ही क्रिमिनल होता है, लेकिन हमने जब व्हाइट कॉलर क्राइम पढ़ा, कॉर्पोरेट क्राइम पढ़े, तो हमें पता लगा कि नहीं, वेल एजुकेटेड लोग भी क्राइम करते हैं. इसी तरह बायोलॉजिकल थ्योरीज में पहले कहा जाता था कि जी इंसान जो है ना वो बॉर्न क्रिमिनल है और ये है वो है, ठीक है, और हमने इसकी एनवायरमेंटल फैक्टर्स नहीं डिस्कस किए, सोसाइटी का क्या इम्पैक्ट होता है हमने नहीं डिस्कस किया, साइकोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट होता है हमने नहीं डिस्कस किया, ठीक है. उसके बाद अब साइकोलॉजिकल थ्योरीज विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आई, तो उन्होंने बायोलॉजिकल के अलावा उन्होंने कहा कि ये भी हो सकता है कि इफ समबडी इज मेंटली इल, ठीक है, अगर आपके अंदर, अगर आपका ब्रेन फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, ठीक है, आपकी कॉग्निटिव स्किल्स नहीं डेवलप हुई नहीं प्रॉपरली, ठीक है, तो वो भी तो आपको क्रिमिनलिटी की तरफ लेकर जाती है. ऐसा है और आप कोई क्राइम करते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट, उसकी पेनल्टीज डिफरेंट होती हैं. ऑन दी अदर हैंड एक सर्टन एज से कम, प्रॉबेबली वो 18 है, वेरी करता है कंट्री टू कंट्री क्या होती है, अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं और अगर आप वही सेम क्राइम करते हैं तो वो क्राइम में नहीं आता, वो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में आ जाता है कि आपने एक सर्टन एज अटेन नहीं की हुई थी और आपसे ये गुनाह हो गया, तो उसका ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है, उसकी सजाई भी डिफरेंट है, उसकी रिहेबिलिटेशन भी डिफरेंट है, ठीक है. सो इस सेक्शन 2 के अंदर हम जुवेनाइल डेलिक्वेंसी से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ेंगे कि हम फिर उनको ट्रीट कैसे करते हैं, पुलिस का क्या रोल है. अब देखो पुलिस डिपार्टमेंट सेम है लेकिन उसका रोल डिफरेंट हो जाता है,
ठीक है. पुलिस का जो रोल है ना वो अब डिपार्टमेंट सेम है, लेकिन अगर 18 साल से ज्यादा उम्र का बंदा वो क्राइम करेगा तो उसको वो डिफरेंट तरीके से ट्रीट करेगा, आपका पुलिस भी, आपकी जुडिशरी भी, आपका लॉ भी, ठीक है. लेकिन वही अगर 18 ईयर्स से कम का बच्चा करेगा तो उसके साथ कंपैरेटिवली डिफरेंट होगा. तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे. उनका जुवेनाइल्स का बेसिकली हर चीज डिफरेंट होती है, उनका ट्रायल डिफरेंट होता है, उनकी काउंसलिंग डिफरेंट होती है, ठीक है, उनके प्रोबेशन परोल ये सारी चीजें डिफरेंट होती हैं क्राइम से रिलेटेड, ठीक है. हम ये दोनों कंपैरिजन में पढ़ेंगे. अच्छा, उसके बाद इस जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के अगेंस्ट क्या है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, वो जो हमारा नॉर्मल हम सबको पता है जो 18 ईयर्स से प्लस लोग जो क्राइम करते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उनको डील करता है, ठीक है. और उसकी सारी हम डिटेल पढ़ेंगे कि उसमें पुलिस का क्या रोल है, उसमें ट्रायल एंड कन्विक्शन किस तरह होता है, उसके अंदर प्रोसिक्यूटर का या कोर्ट्स का क्या रोल होता है, ठीक है. अच्छा, उसके बाद एक और आपका टॉपिक है कि हम ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं, या आपकी कॉर्पोरल पनिशमेंट का क्या रोल है, आप जो रिहैबिलिटेशन की फैसिलिटी अगर क्रिमिनल को देते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है. उस रिफॉर्मेशन में, उस क्रिमिनल की रिफॉर्मेशन में क्या उसका रोल होता है, और ये कितना इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरल पनिशमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, या इसको कितना हम कंडेम करते हैं. उसके बाद रिहैबिलिटेशन का क्या रोल है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है, ये वाली सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. ओके, देन सेक्शन 3 क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन. अच्छा, ये बड़े मजे का टॉपिक है. जिन जो जो बच्चे वो CID और इस तरह के चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं उनके लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसके अंदर हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे जी. फॉरेंसिक्स क्या होते हैं, हम किस तरह से डाटा कलेक्ट करते हैं, उस डाटा को हम मैनेज किस तरह करते हैं, इन्वेस्टिगेट किस तरह करते हैं, टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या हैं, उसके बाद इंटरव्यूइंग, इंटरोगेशन, ये वाली सारी चीजें, और फिर उसके बाद डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, ये वाली सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे. अच्छा, उसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स की लीगल और एथिकल गाइडलाइंस क्या हैं, कि हम जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि पुलिस की क्या ज्यूरिसडिक्शन है, वो किस तरह से हमें स्टॉप एंड फ्रिस्क ऑपरेशंस, मतलब वो किन कैसे वो आपको अरेस्ट कर सकते. देखो, पुलिस की भी तो कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है, थीके? वो हम पढ़ेंगे कि वो किस किन कंडीशंस में आपको रोक सकता है, आपसे जवाब ले सकता है, आपको सीज कर सकता है, या आप सर्च वारंट और ये वाली सारी चीजें. इफ यू गाइस कैन सी द स्क्रीन, ये सिलेबस, ठीक है, क्रिमिनोलॉजी का था, और फिर हर टॉपिक को मैंने पॉइंट आउट करके पास्ट पेपर में उस टॉपिक पे से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया वो मैंने लिख लिया, ठीक है. इस तरह का अगर आप एक डॉक्यूमेंट बना लें तो वो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा. ये नजर आ रहा है आप लोगों को? यस मैम. ठीक है, ठीक है, ये टॉपिक वाइज ना आप डिवाइड कर लें, ठीक है, और फिर उस टॉपिक के ऊपर किस तरह का क्वेश्चन आए वो वहीं पे ही लिख लें. ये आपको अभी भी बहुत आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा, और आपको ये आगे भी एक डॉक्यूमेंट काम आए. एनीथिंग एल्स? यस मैम, आई हैव अ क्वेश्चन. मैम, यू वर टॉकिंग अबाउट दैट वी शुड स्टार्ट गैदरिंग दीस रियल लाइफ एग्जांपल्स. आर वी रिक्वायर्ड टू मेंशन दीस एग्जांपल्स इन आवर आंसर? Required in a sense, it's not required, like it's not mentioned कि अगर आपने daily life examples incorporate नहीं की तो वो आपको fail कर देगा. Not required in that sense. लेकिन आपके paper को बेहतर बनाने के लिए I recommend that. ठीक है? Thank you. जैसे ऐसे के अंदर ये रिक्वायर्ड नहीं होता कि आपने कोटेशंस एग्जांपल्स लिखनी है, वो तो आपको कहता है 2500 वर्ड्स या 3000 वर्ड्स का आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है, लेकिन वो आप उसके अंदर कोटेशंस और एग्जांपल्स इसलिए लिखते हैं ताकि आपका पेपर स्टैंड आउट करे फ्रॉम द रेस्ट. ओके मैम, थैंक यू. मैम, लेकिन अभी जैसे आपने बात की थी जैनब केस की, मोटरवे का जो केस था, तो मैम उसमें तो हमने जैसे देखा था, न्यूज में भी देखा था, हमारे पास काफी कॉन्ट्रोवर्शियल व्यूज आ रहे थे. मतलब समवन, मतलब देयर वर पीपल हु वर ब्लेमिंग द विक्टिम. तो अगर हम इस तरह के केसेस, इस तरह के सेंसिटिव केसेस को हम लोग मेंशन करेंगे तो वी डोंट नो कि हमारे एग्जामिनर उसमें किस तरह का व्यू रखते हैं, तो वो हमारे लिए एक डेंजर. अच्छा, लेट मी क्लेरिफाई अ वेरी इंपॉर्टेंट
थिंग ओवर हियर. दो सब्जेक्ट्स के अंदर ना हमें बहुत इंटरेस्ट होता है और वो हम उसके अंदर बहुत ज्यादा पर्सनल ओपिनियन दे देते हैं, इतना ज्यादा ओपिनियन दे देते हैं जितना सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती. आपका करंट अफेयर्स और आपका क्रिमिनोलॉजी. ठीक है, हम क्राइम्स की एग्जाम्पल्स को किस कॉन्टेक्स्ट में, इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिखेंगे कि ये सही है या गलत है, ठीक है, या स्टेट को ये करना चाहिए. वो एंटी स्टेट नैरेटिव आपने नहीं लिखना किसी भी सब्जेक्ट में. ठीक है, क्रिमिनोलॉजी के अंदर बहुत स्कोप है एंटी स्टेट नैरेटिव लिखने का. प्लीज बी केयरफुल, हम उसको किस प्रस्पेक्टिव में डिफाइन करेंगे कि जी वो, फॉर एग्जाम्पल हम अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, हमारा सेक्शन 3 था, हम ये देखेंगे कि वहां पे एविडेंस कलेक्शन किस तरह हुई, डाटा कलेक्शन किस तरह हुई, इंटरव्यू इंटरोगेशन टेक्निक्स कौन सी अप्लाई हुई. ये वाली चीजें हमने इस एग्जाम्पल को इस तरह से डिस्कस करना है. इस तरह से डिस्कस नहीं करना उसको सजा क्यों नहीं हुई, वो उसको कम सजा हुई, थिंग्स लाइक दैट. ये वाली चीजें आपने डिस्कस नहीं करनी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई और क्राइम सीन डिस्कस करते हैं, हम उसमें ये कह सकते हैं कि अच्छा ये क्राइम की ये वाली टाइप थी, ये कॉर्पोरेट क्राइम था, ये फॉर एग्जाम्पल आपका ऑर्गेनाइज क्राइम था, ठीक है, हैबिचुअल क्राइम था. लेकिन हमने उस क्राइम को किसी एंटी स्टेट नैरेटिव से एक्सप्लेन नहीं करना. राइट, यस मैम, थैंक यू. मैम अगर उसमें एंटी स्टेट नैरेटिव नहीं होगा तो फिर हम किस तरह से अपना नैरेटिव देंगे, जिसमें रिकमेंडेशन हम देंगे, बताएंगे कि गवर्नमेंट को ये स्टेप्स लेने चाहिए थे. If required, do mention it. Unnecessarily, आपने जो है ना उसके अंदर mention नहीं करना. For example, अगर वो आपसे सिर्फ types of criminals पूछ रहा है और आप कोई एक example quote कर रहे हैं, तो just आप example quote करें. अब आपने उसको explain नहीं करना शुरू कर देना कि इसकी अब reformation कैसे करें. ठीक है मैम, और कुछ नहीं पूछना. बस मैम ये बता देंगे आप पेपर अटेम्प्ट करने, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का बाद में डिस्कस करेंगे या अगर आज की क्लास में डिस्कस कर लें? नहीं, पेपर अटेम्प्टेड टेक्निक अभी आप हम डिस्कस बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम पहले वंस व्हेन वी आर डन विद वी हैव कवर्ड द होल सिलेबस, या एटलीस्ट एक सेक्शन जब हम कंप्लीट कर लेंगे ना, फिर मैं आपको असाइनमेंट दूंगी कि अब आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और तब मैं आपको बताऊंगी कि अच्छा वो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया. यस मैम. यस मैम. Challenges. That's all for today. I hope you like the subject और आपको आसान लगा है, मुश्किल नहीं लगा. और हम कल कंटिन्यू करेंगे. 1.5 hour की क्लास थी, मुझे अंदाजा नहीं था कि अच्छा ये इतनी जल्दी I'll run short of data. So हम कल जो है ना वो थोड़ा ज्यादा डिटेल में टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और ज्यादा टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. All right, take care of yourself. Allah Hafiz.